हेलो फ्रेंड्स, आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किसी भी लोगो को या फिर किसी तस्वीर को ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में किस तरह से कन्वर्ट करके सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फ्रेंड्स, ये मेरे पास लोगो है तो इसको हम ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में कन्वर्ट करेंगे। अगर हम इस जेपीजी को यहाँ से प्लेस करेंगे किसी भी तस्वीर पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका वाइट कलर भी साथ में आ रहा है और हम चाहते हैं कि ये जो वाइट कलर है वो हमारे पास ना आए। तो इसके लिए हम यहाँ से इस लोगो को यहाँ पर न्यू विंडो में ओपन करेंगे और यहाँ से इस बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करेंगे और इस लेयर को अनलॉक कर देंगे। यहाँ से आप कोई भी सिलेक्शन टूल ले सकते हैं और सिंपली इस वाइट कलर पर क्लिक करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे। और मैं यहाँ से भी ट्रांसपेरेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी मैं क्लिक करूँगा, शिफ्ट प्रेस करते हुए मज़ीद सिलेक्शन बनाऊँगा। इस तरह से मैं वाइट कलर को रिमूव कर दूँगा। यहाँ से कंटेजस को अनचेक करके अगर हम वाइट कलर पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास वाइट कलर सिलेक्ट हो गया है। अब हम सिंपली डिलीट प्रेस करेंगे और कंट्रोल डी से इसको हम डी सिलेक्ट कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में आ गया है। ये आप देख सकते हैं, इसको सेव करने के लिए यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से सेव एज और यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेट चेंज करेंगे पीएनजी और सिंपली इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे और ओके कर देंगे। अब अगर हम इस पर लोगो प्लेस करेंगे तो ये आप देख सकेंगे कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी लोगो को या फिर किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड रिमूव करके पीएनजी में सेव करेंगे तो ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के हमारे वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।